तो भैया जी, इस टाइप का होता है हमारा वेइंग का मशीन होता है, जिसपे हमारा ट्रक का वजन तोलता है और हम लोग इसी का काम में। यहाँ पे भैया जी अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है उसका काम चल रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पे लगी हुई हैं अहमदाबाद में। हेलो जी भैया, वेलकम बैक टू द चैनल होपिंग ऑल फैन। तो भैया जी, सीन्स कुछ ऐसे हैं कि लास्ट वाला ब्लॉग आप लोगों ने देख लिया होगा हमारे जूनागढ़ वाला। 2 दिन पहले हम जूनागढ़ गए थे। 2 दिन के आने के बाद भी आज 2 दिन हो चुके हैं एक्चुअली, मतलब लगभग लगभग समझो ना 4 दिन हो गया है। अभी तक वो ब्लॉग को मैंने एडिट नहीं किया, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। और अभी हम इस ब्लॉग की शुरुआत करें, अभी बाय द वे मैं जा रहा हूँ अपने ऑफिस के काम से, मुझे जाना है, अभी नज़दीक ही है, मेरे घर से लगभग 20-25 किलोमीटर है। अभी ये ब्लूटूथ को निकाल लेता हूँ, मेरा चार्ज में लगा हुआ था। पहले इसको बंद करते हैं, इसको बंद करते हैं, इसको यहाँ से ले लेते हैं। अब अपने यहाँ से निकलेंगे, जहाँ पे कुछ ज़्यादा वहाँ से काम से वहाँ जाएंगे। और ये छोटा छोटा ब्लॉग बेज में बना के आप लोग के लिए प्रेजेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक वाइक कर दीजिएगा। अब आप लोग के इस बार बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जरूरत, वैसे मैं बोलता नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लेकिन 98% ऐसी पब्लिक है ना भैया जी, जो वीडियो तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते, तो कर दिया करो। चलते हैं फाइनली यहाँ से गेट पे। अपनी गाड़ी साफ कर दिया कंप्लीट, क्या ही लगती है, मस्त गाड़ी लग रही है भाई साहब, एकदम क्रेजी। चलते हैं, पहले फ्यूल चेक करना पड़ता है मेरे को, रोज यही मेरा एक प्रॉब्लम रहता है। 65 दो पॉइंट तो है अभी, ऑलमोस्ट चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गाड़ी को यहाँ से निकालते हुए जी चलते हैं। ठंड काफ़ी पड़ रही है यार, क्या ही ठंड पड़ती है, आज कोई पतंग ही नहीं चल रहा है यहाँ पे, इस साइड आज कोई पतंग ही नहीं चल रही है। अरे उत्तरायण वाला माहौल आके सोच रहा हूँ उत्तरायण के लिए अपने एक स्पेशल ब्लॉग बनाया जाए, बट टाइम मिलेगा तभी जाएंगे आज, क्योंकि लिटरली मुझे है ना मज़ा नहीं आता यार वैसे ब्लॉग व्लॉग बनाने में। अपन ऐसा सही है, देख रहा अपनी बेस्ट देखो, इसको सफाई करवानी पड़ेगी, गंदी हो गई गाड़ी देख रहे हो। फाइनली अपने लोकेशन पर मैं आ चुका हूँ, यहाँ पे सामने हमारा प्लांट मतलब एक लगा हुआ है। आज मैं दिखाऊंगा आपको, ट्राई करूँगा कि मेरे ऑफिस का जो भी काम होता है मैं क्या करता हूँ, मेरी जो एक इनकम आती है परमानेंटली जो होती है ना, उसको इनकम आती है वो कहाँ से आती है, वो मैं भी आपको दिखा दूँगा। एक्चुअली मैं सर्विस इंजीनियर, तो मैं भी आपको दिखा दूँगा क्या कैसा है। मैंने घर से आ गए और टाइमिंग आप लोग चेक कर लीजिए, 11:04 हो रहा है, आपको दिख रहा होगा। अंदर अपने प्लांट के अंदर दिखाता हूँ आपको क्या कैसे काम करना। वैसे मैंने गाड़ी को साइड में रोक कर दे रखा है और यहाँ पे देख रहे हो, चेक करिए हरियाली कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है, मतलब ठंडी हवा ही चल रही है ना, मतलब शीत लहर बहुत चल रही है। पहुँच गए भैया जी फाइनली, चलते आपको दिखाते हैं। तो भैया जी, इस टाइप का होता है हमारा वेइंग का मशीन होता है, जिसपे हमारा ट्रक का वजन तुलता है और हम लोग इसी का काम करते हैं। तो मैं तो इसी का काम करता हूँ, सर्विस इंजीनियर, इसके नीचे लगे रहते हैं लोड सेल रहते हैं, तो इसी के ऊपर वे ब्रिज पे जैसे बड़े बड़े ट्रकों का वेइंग होता है, तो ये कुछ सिस्टम है। तो भैया जी, इस टाइप पर कुछ हमारी गाड़ियाँ ऐसे तोलती हैं कांटे के ऊपर, हेरा ऐसे लगा रहता है, इसी पे वेट आता है। देख रहे इतनी बड़ी बड़ी सरियों वरियों का सारी चीज़ों का वजन आता है। और ये मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है यहाँ पे, बुलेट ट्रेन वाला काम का साइड चल रहा है। भैया जी, हम आए थे यहाँ पे प्लांट में आए थे, यहाँ पे भैया जी अहमदाबाद से बॉम्बे के लिए जो बुलेट ट्रेन चलने वाली उसका काम चल रहा है। तो ऐसी काफ़ी सारी कंपनियाँ यहाँ पर लगी हुई हैं, अहमदाबाद में, बड़ोड़ा में, बहुत सारी जगह लगी हुई है जो से अहमदाबाद से बड़ोड़ा तक की रूट पे चलती है। और यहाँ का ज़्यादा मैं क्लिप नहीं उतार रहा हूँ, तो क्या किसी कंपनी की पॉलिसी होती है तो नहीं उतारना चाहिए, तो ये मैं अपना पर्सनल एक वीडियो उतार रहा था, ये बता रहा था कि हमारे ये थोड़ा काम काज है इसका इलेक्ट्रॉनिक वाला काम कर। भैया जी, तो भैया जी आए थे अपने ऑफिस के काम से यहाँ पे, ये कुछ प्लांट है यहाँ पे, क्योंकि भैया जी बुलेट ट्रेन का कुछ काम यहाँ पे चल रहा है, तो हमारे यहाँ पे ऑफिस का काम जो था वो तो फाइनली हमने ख़त्म कर लिया है। अब ये रही अपनी गाड़ी, अब इसको लेके हम यहाँ से निकलेंगे अपने अरुण के ऑफिस में जा
तीन कुछ बज रहा, तीन बजे दोपहर के। नेक्स्ट लेवल की यार, चेक करो यार यहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ रही है ना, मतलब लग रहा है। ये रही अपनी गाड़ी, चलते हैं इस गाड़ी को लेके अपना फाइनली। मिलते हैं आपसे यार उनके ऑफिस में, पहले वहाँ पे जाकर सीन्स क्रिएट करते हैं, चाय कुछ पीते हैं। यहाँ से कुछ 10-12 किलोमीटर है और उनके ऑफिस में निकलते हैं। और यहाँ पे देख रहे हो पूरी ग्रीनरी ग्रीनरी, हरियाली हरियाली यहाँ पे, ये रहा पूरी हरियाली हरियाली है। अहमदाबाद में भी हरियाली देखना बहुत मुश्किल हो गया अब तो, क्योंकि सब जगह जहाँ देख रहे हैं ना वहाँ पे बिल्डिंग है सारी बन जा रही हैं। जी यहाँ चल रहा है इंडिया और श्रीलंका का मैच है, और क्या ही जबरदस्त मैच है। मैं तो नहीं देख रहा, ये देख रहा है बैठे बैठे। ओए मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हल्का हंस। यहाँ पे मैच चल रहा है और हम भैया जी अरुण के ऑफिस में गए थे, वो लास्ट वाला वीडियो आप लोगों ने देखा होगा, उसको एडिट वेडिट करना बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। हम पता नहीं क्यों ऐसा होगा कि बैक टू बैक ब्लॉग डालते जा रहे हो, सुबह को निकलना भरूच के लिए, अभी बैठे खाने के लिए, अभी रात के बजे लगभग 8:30-8:15 की तैयारी हो गए। रोज़ हमको भैया जी से जल्दी जल्दी भूख लग जाती है और खाने बैठे हैं यहाँ पे, ये दाल रोटी और ये है ना हमारे यहाँ पे सिरका टाइप का, ये सिरके की मिर्चा रहती है, बहुत ज़्यादा तीखा होता है तो खाते हो बस। देखो मैच देख रहे हो, ये कोई लड़का नया है, ये बॉलर है ना ये वाला पक्का। भी खाना खाते हैं, आप इस वीडियो में ये पेंट करते हैं, बहुत छोटा सा ब्लॉग है, अगर आप लोग को पसंद आया तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो क्या कैसे लगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। बंडिया साहब है अपने, और ये खाना खा लेते हैं, इसको निपटाते फटाफट। जय श्री कृष्ण।